बिजनेस लीडर एवं समाज सेवक नासिर इस्लाम ने ईद की दिली मुबारकबाद दी। उत्तर विधानसभा के लाडले नेता नासिर इस्लाम इस बार जनता की सेवा करने तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की पहली पसंद नासिर इस्लाम बने हुए हैं। देखिए, ईद का संदेश तो भाईचारे का ही संदेश है और परंपरागत संदेश है। 30 दिन के रोजे और कुर्बानी के बाद इंसान जब उसको ऊपर वाले ने यह अवसर दिया कि वो ईद के दिन खुशियां मनाता है, और खुशियां कभी अकेले नहीं मनाई जाती। खुशी का लफ्ज़ जहां आता है वहां सब मिलजुल कर जब इकट्ठा होते हैं जब ही खुशी मनती है, और खुशी का मतलब ही वही है कि सब लोग इकट्ठा होकर और इस देश का भाईचारे की आज बनाए रखने की सख्त आवश्यकता है। इस शहर के भाईचारे को बनाना और उसको कायम रखना जिससे शहर की तरक्की हो सके, इस देश की तरक्की हो सके, क्योंकि आज जिस प्रकार से फासिस्ट ताकतें देश अपने हितों के लिए देश को बांटने का प्रयास कर रही हैं और जिस तरह से भाई भाई के दिल में दीवारें उठा रही हैं, ये बहुत एक गंभीर विषय हो गया है। और कहीं कहीं तो बड़ी शर्म भी आती है कि इतने आधुनिक दौर के अंदर भारत किस दिशा के अंदर जा रहा है और किन हाथों के अंदर खेल रहा है। जिन्होंने अपने सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए आज देश की परंपराओं को, हजारों साल की आज इस शहर की परंपराओं को सबको तोड़ने का प्रयास कर रहा है और साथ साथ अपने आप को देशभक्त कहते हैं, शर्म आती है ऐसी बातें से। खैर, ईद का त्यौहार है, सभी को मेरी ओर से पूरे प्रदेश के लोगों को, भोपाल के हमारे राजधानी के लोगों को, सभी को, सारे वर्ग के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आप सबको बहुत खुश सर। आगामी चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश के अंदर और आपका चेहरा एक समाज सेवक के रूप में काफ़ी चर्चित हो चुका है और उत्तर भोपाल में काफ़ी ऐसी मामलाएँ सामने आए सर, विकास से अधूरा है। आज तो मैं ईद मनाने के मूड में हूँ और आपके सबके साथ खुशियाँ बांटने के मूड में हूँ। उत्तर मध्य किसी और दिन कर लेंगे और जिनको सब मालूम हो वो सवाल पूछते हैं, मज़ा नहीं आता। जो आप सुनना चाहते हैं वो बातें बिल्कुल सत्य हैं और मैदान में हैं। मैं लोगों की सेवा करते आए, आगे भी करने का प्रयास है और जो पार्टी का आदेश होगा और जो हमारे नेताओं का आदेश होगा बिल्कुल यकीनी तौर के ऊपर वो करेंगे। और बड़े मजबूत तरीके से कह रहा हूँ कि सेवा करिए, सेवा की भावना है, सेवा करना आती है, ईमानदारी से करिए और ईमानदारी से करने का प्रयास भी रहे। सर, हाल ही में आपका एक राजनीतिक अनुभव एक लंबे समय का रहा है, चाहे वो यूथ कांग्रेस की बात हो, पार्टी को मजबूत करने का काम भी किया, युवाओं को जोड़ने का काम भी किया, एक शिक्षित चेहरे के रूप में आप हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? ये तो आप देख रहे हैं और सारी बातें आपने अपने सवाल में ही कह दी। अगर ऐसी बातें मेरे लिए आप लोग सोचते हैं तो मैं बहुत धन्यवाद करूँगा आप लोगों को और बड़ा मेरी मैं बल्कि साधुवाद करूँगा कि कहीं भावनाओं को कोई समझ तो सका और हमारे पत्रकार बंधु अगर ये समझ लेते हैं।